देखिए बीबीसी का एजेंडा तो शुरू से एक रहा है कि भारत विरोधी न्यूज ही चलाती थी वो, ठीक है, लेकिन जब से ऋषि सुनक वहाँ पे प्रधानमंत्री बने हैं, जब से इंडियन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ने कहीं बाहर विदेशों में पेनिट्रेट किया है, तब से इनका एजेंडा पर्टिकुलर मोदी सरकार के विरुद्ध चलना शुरू हुआ है। क्योंकि जब तक कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने कोई एजेंडा ऐसा भारत के बारे में नहीं दिखाया कि जो कोई कॉन्ट्रोवर्शियल हो, ठीक है। जैसे ही मोदी सरकार ने राइज किया, सेकंड टर्म में राइज किया, और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को राइज करने के बाद इन्होंने क्या किया, गोधरा कांड को इश्यू बना के एक टेप जारी कर दिया, ठीक है, कि वो मोदी जी ने करवाया था। लेकिन जबकि गोधरा कांड का वो क्लीन चिट तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, उसके बावजूद भी आज 22 साल पुरानी जो चीज है उसको ये लोग अभी एजेंडा बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, आप देश के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम एकता जब से बनी हुई है उसको अगर तोड़ने की बात करेंगे, इस तरीके का एजेंडा फैलाएंगे, तो सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे जो भड़काऊ भाषण वाले जो टेप्स वगैरह जो विदेशी कंपनियां यहाँ पे दंगा फैलाना चाहती है उसको तो रोकना ही पड़ेगा ना। अगर हम नहीं रोकेंगे तो कांग्रेस तो अपना काम कर ही रही है, साथ में जो विदेशी जो न्यूज चैनल्स हैं जैसे कि बीबीसी है, अल जजीरा है, उनके कांड कम है क्या भारत के अंदर दंगा करवाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये एक एजेंडा बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर कि भारत कुछ भी करे लेकिन वो आगे ना बढ़े। उस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है कि भारत के खिलाफ जो एजेंडा चलाना है, आतंकवाद के जिस तरीके भारत ने आतंकवाद को सप्रेस किया है, वो वापस आतंकवादी देश बन जाए, भारत आतंकवाद के चुंगल में फंस जाए, उस एजेंडा को लेते हुए बीबीसी और अल जजीरा जैसे जो चैनल हैं, जो वर्ल्ड में आप उनके न्यूज पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इनका एक एजेंडा पर्टिकुलर जिहाद और जो लव जिहाद और आतंकवादी जो नैरेटिव चल रहा है उनको सपोर्ट करने वाला एजेंडा उनका होता है। तो मैं तो यूं कहूंगा कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब तक इन सारे जो आतंकवादी फैलाने वाले संगठन है उनको जिस तरीके से सप्रेस किया है मोदी गवर्नमेंट ने, ऐसा कांग्रेस नहीं कर पाती, क्योंकि कांग्रेस खुद आतंकवाद को बढ़ावा दे रही थी, वो नहीं चाहती थी कि इस देश का दलित और इस देश का मुस्लिम आगे बढ़े, जबकि बीजेपी सरकार हर ज्ञाति को, दलित मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सबको साथ में लेकर चल रही है, क्योंकि हम राष्ट्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, हम राष्ट्र को साथ में लेकर चल रहे हैं, हर देश के हर नागरिक को साथ में लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस की नैया इसीलिए डूबी है क्योंकि उनकी तुष्टिकरण की राजनीति थी, उसका जो एजेंडा था वो जनता के सामने चलक के आ गया है कि भाई कांग्रेस ने 70 साल में जो भी किया वो अपनी सत्ता बनाने के लिए किया, लेकिन ना दलितों के लिए उन्होंने कुछ किया, कानून बनाया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। आज देखो 70 साल के अंदर दलित आज भी इतना गरीब है, लेकिन जब से 2014 आया है उसके बाद जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज बनाई है हर नागरिक को लेते हुए, उसको आप देखेंगे तो हर नागरिक को काम मिल रहा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक सांचे में ढाल के रखा है, ठीक है। अभी मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूंगा, 26 जनवरी पे मिस्र के राष्ट्रपति जब आए थे तो उन्होंने देखा कि 26 जनवरी की जो झांकी है उसके अंदर 50 से ज्यादा डाइवर्सिटी थी, तो उन्होंने बोला कि जिस देश में 50 से ज्यादा डाइवर्सिटी है और यहाँ पे इतने जाति धर्म के लोग रहते हैं, उन सबको एक सांचे में ढाल के रखा है, तो यहाँ पे जो भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं मुस्लिम, उनको सोचना चाहिए कि जिस देश में इतनी इज्जत मिली है भारत के अंदर मुस्लिमों को और हर ज्ञाति वालों को, तो उनको भारत देश का शुक्रिया मानना चाहिए कि वो भारत देश में पैदा हुए, भारत देश के नागरिक हैं। आप देखिए कि यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे बड़े रहेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, उनके लिए मिस्र के राष्ट्रपति ने OIC जैसे जो ऑर्गेनाइज इस्लामिक कॉरपोरेशन है, जो इंटरनेशनल लेवल का एक संगठन है जिसमें सिर्फ 57 कट्टर मुस्लिम देश ही मेंबर बन सकते, उनका भी उन्होंने खंडन किया है कि आप देश के अंदर अगर आपको सीखना है किसी देश को चलाना तो आप मोदी जी से सीखिए कि किस तरीके से देश को डेवलप करते हैं, किस तरीके से जनता को डेवलप करते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं तो ये भी कहता हूँ मोदी जी आपातकाल इंदिरा गांधी के टाइप में लगाए 18 महीने, तब पता चलेगा आपातकाल क्या होता है। सारे पत्रकारों को बंदी बना देना, सारे सांसदों को अरेस्ट कर लेना, सारे पार्टियों पे बैन लगा देना, इसे कहते हैं आपातकाल जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी। ये कांग्रेस पार्टी बीबीसी को अपना एजेंडा चलाने के लिए अब ये दलाल बन गए बीबीसी के। सबसे पहले ट्वीट कांग्रेस वालों ने किया है, बीबीसी भारत में भारत की संप्रभुता के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहा है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है और टुकड़े टुकड़े गैंग, JNU छाप, जादवपुर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में कोई यूनिवर्सिटी, ये सब AMU वाले एजेंडा चलाते हैं कि उन्हें दिखाओ ना। इसका कहना है कि डर किस बात का है, जो सच्चाई बाहर आ जाएगी इसलिए बीबीसी को डराया जा रहा है। किस बात की, सुप्रीम कोर्ट से जिसे क्लीन चिट मिल गई उसकी क्या सच्चाई दिखाओगे, 2 बार प्रधानमंत्री बन गया वो, 3री बार बनने जा रहा है, तुम मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे षड्यंत्र करके। और अडानी अंबानी आज पैदा नहीं हुए हैं, इंदिरा गांधी के टाइम से, राजीव गांधी ने पहला पोर्ट दिया अडानी को। ये सब जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, चाहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का षड्यंत्र है, या कोई भी जो अब ये षड्यंत्र खेल रहे कांग्रेस का डेटी ट्रिक डिपार्टमेंट, कुछ सफल नहीं होगा। पप्पू जब तक रहेगा मोदी को कोई नहीं हरा सकता, राहुल गांधी को हटाओ तब आगे की बात करे विपक्ष। मोदी के मुकाबले का नेता अभी भारत क्या पूरे विश्व में नहीं है,
पूरे वर्ल्ड में नंबर वन रैंकिंग पे है मोदी जी, डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, बढ़िया बजट वो दे रहे हैं, कोरोना वैक्सीन वो लगवा रहे, 220 करोड़ वैक्सीनेशन 2024 तक उन्होंने जो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा था उसे कंटिन्यू कर दिया है 2024 तक। सोचे 2020 में आया था कोरोना, 80 करोड़ लोगों को राशन देना सर बहुत बड़ी बात होती है, ये मोदी जी कर रहे हैं। लगता है कि मोदी जी तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, अगर कोई खिलाफ आवाज उठाता है तो ईडी चली जाती है, सीबीआई चली जाती है, आवाज दबा दी जाती है। देखिए सर, जो दो तरीके हैं इन्होंने तो तानाशाही के बोले, एक तो कह रहे हैं कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, संसद में झूठ बोलना एक अपराध है। आप किसी भी व्यक्ति को जब एड्रेस कर रहे होते हैं, भारत के उद्योगपति को, वो भी प्रधानमंत्री से जोड़ के, तो आप एक संसदीय मर्यादा में बोलना पड़ेगा आपको। आप सांसद हो, आपको प्रमाण देने पड़ेंगे, बिना प्रमाण के बोलोगे तो आपकी वीडियो हटा दी जाएगी। ये इतनी बार सांसद बन चुका है अमेठी के बाद, अब वायनाड आ गया, राहुल गांधी को बोलने का ज्ञान नहीं है। ये वही राहुल गांधी है जो 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी जी को चौकीदार चोर बोलता था, फिर डेढ़ पन्ने का माफीनामा लिख के दे के आया, और अब हिंडनबर्ग में भी और ये बीबीसी में भी कांग्रेस वाले घुटने पे आएंगे और माफ़ी मांगेंगे, लिखित में माफ़ी देनी पड़ेगी इन्हें, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये लोग सिर्फ एजेंडा चला रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, और ये मोदी जी को हरा नहीं पाएंगे, षड्यंत्र करके करना है तो मोदी का मुकाबला डेवलपमेंट में करो, कांग्रेस शासित राज्यों में विकास करके दिखाओ, मोदी और योगी का मुकाबला तभी कर पाओगे, जब तभी उनसे जीत पाओगे जब उनसे अच्छा काम करके दिखाओगे। चोपड़ा साहब, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से बीबीसी पर आज कार्रवाई हुई आयकर विभाग की? देखो कार्रवाई हुई है जो बहुत अच्छी हुई है आयकर के विभाग में। अब ये इसको जोड़ रहे हैं कि ये बीबीसी, ये मतलब कि इंसिडेंस जो है ये उसको दबाने के लिए किया जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट्री मूवी आई है उसके लिए किया जा रहा, कोई मतलब बदले की भावना से किया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको इंटरनेशनल जो है ना टैक्स उसने नहीं दिया, और बीबीसी का ये बताओ, बीबीसी जो है ना एक सुपारी मीडिया है, मैं आपको बता दूँ ये सुपारी मीडिया है, और ये पहले भी बैन हो चुकी है इंडिया के अंदर। 1970 में जब एक फ्रांसीसी निर्देशक था उसने वो मूवी बनाई थी, उसमें जो है ना हिंदुस्तान की जो छवि को उसने बड़ा कलंकित किया था, उसका नाम है लुइस मेले, और उसने किया था, इसको बैन कर दिया है। 1975 में भी बैन किया है, 2008 में भी बैन हो चुका है, तो ये इसका तो बिल्कुल सीधा सा है डॉक्यूमेंट्री जो मूवी के बारे में ये जोड़ रहे हैं। कांग्रेस वाले भी डॉक्यूमेंट्री मूवी इसलिए कर रहे हैं, उनसे ये पूछो तुमने क्यों बैन किया, तुमने तो बैन किया ना, और अब हिंडनबर्ग अब कह रहे हैं बैन किया। अब मेरे को ये बताओ कि जब अडानी का इशू आया 20,000 करोड़ का FPO आया था, तो उससे एक दिन पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है, अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तो उसका इशू जो है सब्सक्राइब भी हो जाता है, ठीक है, उसके शेयर मार्केट में गिर जाते हैं, और कम से कम 10 लाख करोड़ के करीब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसका मतलब हम भी यही कहें कि इन्होंने, कांग्रेस वालों ने किया है जो हिंडनबर्ग के साथ मिलकर, हमने तो नहीं जोड़ा साथ में, लेकिन हिंडन ये बड़ी इंटरनेशनल साजिश चल रही है इनका, हिंडनबर्ग का भी जो आया ना जो भी इशू, ये सब एक देखो राहुल गांधी को है ना आजकल यही टास्क दिया गया है कि तू है ना बाहर जा और ये किया कर और जो भी है, क्योंकि राहुल गांधी ने देखो कभी किसी, उसने मनमोहन सिंह की इज्जत नहीं करी, मनमोहन सिंह भी कोई अध्यादेश या कोई बाहर से होके आता था वो कहता मैं ये लाया हूँ मैं ये कर रहा हूँ, वो अध्यादेश कोई पास करता था जो रिजोल्यूशन वो राहुल गांधी फाड़ देता था, ऐसे ही उसने कांग्रेस, ऐसे ही उसने पार्लियामेंट स्ट्रीट में पार्लियामेंट के अंदर किया, और जब मोदी जी से सवाल पूछ के उसको अडानी को और उनको जोड़ दिया, अडानी को और मोदी जी को, मेरे को ऐसा जोड़ने के साथ पहले बताओ खुद भी तो देखो ना, उन्होंने 2010 में सबसे पहले जो कोल माइन का जो ठेका दिया था सबसे पहले कांग्रेस ने दिया था, और जो मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर ठेका दिलाने के सबसे ज़्यादा मदद उन्होंने की थी। तो अब ये बताओ कि मेरे को ये बताओ कि इसमें गलत क्या है, मेरे को विपक्ष का काम है बोलने का, वो विपक्ष बोल लेगा, जो ये अखंड जोड़ यात्रा चालू कर रखी है, यात्रा शुरू कर रखी है, उस यात्रा में पंजाब में हुई थी, जो उनका खास लीडर राजा विडिंग जब यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, उनकी सिक्योरिटी ने उनसे धक्का मार दिया, और राहुल गांधी ने इतना नहीं किया कि उसे साथ ले लूं वापस और अपनी सिक्योरिटी को डांटूं, उसे धक्का मार दिया, मार दिया, चल दिया राहुल गांधी। जो अपने वर्करों के नहीं है वो दूसरे के क्या होंगे? और रही बीबीसी की बात, मुझे इतना बता दो ये बीबीसी तो 70 साल से चल रही है, जब तुम्हारी सरकार थी तब भी थी, तब भी तुम भी भड़काते थे, तब तो तुम ये बात मुद्दा नहीं उठाते थे योगी मोदी वाला, ठीक है। और रही अडानी अंबानी की भी बात आ रही है, हर जना अडानी अंबानी बीच 70 साल में, जब जब अडानी तुम्हारे साथ था
तब तो कोई नहीं बोलता था कि तुम अडानी अंबानी, अब तुम विपक्षी हो गए तो तुम्हें अडानी अंबानी दिख गए कि योगी जी के साथ। अरे भाई वो जो अपना काम कर रहे हैं अडानी अंबानी, अपने पैसों से कमा रहे हैं, तुम उस चीज को योगी जी से क्यों जोड़ रहे हो मोदी जी से? लग रहा है 9 साल में काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। क्या काम हुआ है? आप सहारनपुर से दिल्ली, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, सहारनपुर से दिल्ली आने में 5 घंटे लगते थे और आज 2 घंटे में मैं दिल्ली हूँ। हाईवे को देख लो, बेरोजगारी कम हो गई है, बेरोजगारी अभी और कम होएगी। 34 कम हुई है, राहुल गांधी तो कह रहे 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? बता तो रहा हूँ, 34,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर मीट हुई है अभी लखनऊ में, पास हुआ है 34,00,000 करोड़। वो क्यों पास हुआ है? वो इसलिए पास हुआ है बाहर की कंपनियां इंडिया में आएगी ताकि हमारे जो बेरोजगार लोग हैं वो रोजगार करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री बनने जा रही है लखनऊ में, नोएडा में, सिर्फ मुंबई में थी, अब लखनऊ और नोएडा भी बनने जा रही है।